हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुदस्सिर सुगज। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी विजिटिंग बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। और पाकिस्तानी भी फाइनली वहाँ पर विजिट करने गए, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। बालाजी महाराज को कौन नहीं जानता, एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, तो उनके द्वार आए हुए और आज हम आपको ये वीडियो शेयर करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का द्वार कैसा है और कितने लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। तो चलते हैं वीडियो के और वीडियो देखते हैं। सो यहाँ से जो मन्नतें मांगने के लिए इस द्वार पे आते हैं, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी परिक्रमा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर के अबाउट और आयर बाहर की जो अराउंड है एरियाज है वो। तो चलते हैं जी। मैंने भी प्रसाद ले लिए और कुछ फूल चढ़ाने मुझे मंदिर, तो मैंने ले लिए फूल और अब हम चलते हैं इसके द्वार। सो एक गली है और सेंटर में मंदिर है, तो मंदिर के हमें 21 बार परिक्रमा करनी है जो कि हर श्रद्धालु करता है एक मन्नत मांगने के लिए। तो यहाँ पे 5 कलर के नारियल, 4 कलर के नारियल मिलते हैं सॉरी, तो एक रेड कलर का होता है जो किसी विश के लिए होता है, ये सामने देख सकते हैं, और एक पीली कलर का होता है जो कि अगर किसी को शादी की विश है तो वो शादी हो जाती है उसकी, और एक ब्लैक है अगर किसी को भूत प्रेत है तो शादी हो जाता, और एक वाइट कलर का है तो अगर किसी को संतान चाहिए, बच्चे चाहिए, औलाद चाहिए, तो उसके लिए ये इस तरह के नारियल लेकर आते हैं। लाखों करोड़ों नारियल यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम रख के चले जाते हैं लोग। सो यहाँ पे सामने आप गली देख सकते हैं और इस साइड पे मंदिर अभी बन भी रहा है और कई कुछ बने भी हुए हैं, कुछ शटर में बन रहा है रहने के लिए श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ पे आप सीधे जा इस मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। कारपेट बिछाया गया है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और बाबा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की बहुत सारी मालाएं हैं और बहुत सारा कुछ मटीरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी यहाँ पे आते हैं और परिक्रमा करते हैं अपने दुख दूर करने के लिए। सो अगर मैं कैमरा टर्न करके दिखाऊँ तो लाखों करोड़ों आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदगी हो चुकी है इस साइड पे, अभी इसको भी सफाई हो रही है। सो यहाँ पे अगर किसी को तस्वीरें वगैरह भी लेनी है तो यहाँ पे कोई इंसान तस्वीरें भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारपेट है और सीधा अगर हम चलें तो मेरे दोस्त भी आए हुए हैं साथ में, और ये भी कुछ विश करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा ठीक है अभी चलो। तो आगे हम सीधा बाबा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के द्वारे। तो बहुत सारे खूबसूरत से कलर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग जहान के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है तो कुछ तो होना चाहिए। सो ये सामने देख सकते हैं अपने श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं, सो उनके लिए ये एक महफूज सी प्लेस बनाई हुई है। यहाँ पे अगर किसी इंसान को रात स्टे करना है तो उनके लिए ये महफूज छत बनाई हुई है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं, सामने बैठे भी हुए हैं। तो ये था कुछ सीन जो आपने देखा, दुकानें छोटी छोटी सी लगी हुई है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और चल के दिखाते हैं। तो जो नारियल लेके आते हैं लोग यहाँ पे बांध देते हैं। बालाजी महाराज यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे और यहाँ से फिर आगे जो है इनको अंतर ध्यान होता था, तो फिर ये अपना आगे जाते थे। सो अभी फाइनली हम आ चुके हैं उसी गेट के ऊपर, एंट्री गेट है जो इस मंदिर का, और मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। अच्छा चक्कर लगाने पड़ते हैं, 7 चक्कर। सो ये है सामने गेट और चलते हैं इसके अंदर। तो जो श्रद्धालु आए हैं वो रास्ते में भी बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा कैमरा आपको टर्न करके दिखाऊं। तो एक भैया जी से मैंने पूछा है कि मंदिर किस साइड पे है, तो वो बता रहे हैं इस साइड पे है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, सीढ़ियां बनी हुई है इस मंदिर के लिए। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये है द्वार, और कैमरा अगर साइड पे करके दिखाऊं तो श्रद्धालु जो नारियल लेके आते हैं वो लाखों करोड़ नारियल आप सामने देख सकते हैं। सो मेरे पीछे मैं लाइन में हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ, और सामने आप ये मेरे राइट साइड पे मंदिर देख सकते हैं, ये वाला मंदिर, ठीक है। जो भी नारियल लेके आते हैं विश के लिए वो यहाँ पर आके बांध देते हैं। सो ये था जी मंदिर जो हमने आपको दिखाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के नारियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था जी बाबा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का मंदिर, और बाबा बागेश्वर धाम के द्वार पे उनकी कुछ तस्वीरें,
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहेंगे धार्मिक चीज़ें और भी बहुत कुछ। वैसे ही था तो यार गाइस, वीडियो ख़त्म। यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा और ये लगता है अभी अभी कोई बैठ के वो गए हैं और काफ़ी लोग इधर आए हैं और अभी साफ़ सफाई भी चल रही थी जगह जगह पे, और जगह जगह पे नारियल वो समेट रहे थे सारे लोग, क्योंकि लोग लेकर आए हैं भाई। और ये अभी अभी लगता है इधर वो मतलब बैठे थे बागेश्वर धाम। अच्छा भाई, इधर इसके बारे में प्लीज गाइस। और ये मंदिर है भाई, ये मंदिर है बालाजी बागेश्वर धाम का। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो लगाते हैं ना दरबार, जब लगाते हैं दरबार, उनके बारे में मशहूर है। प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, उसके लिए सॉरी। ये जो नारियल बांधते हैं ना, ये इधर से उनको पता चलता है, वो अर्जी लिख देते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बंदे चले जाते हैं अंदर, वो दरबार में जाते हैं, वो पहले से उनको ऐसे पता चल जाता है, लिख देते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो पहले बता देते हैं। हाँ, वो माइक पे वो फिर वो सारा कुछ पूछते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज के लिए आए हो। बंदा हैरान हो जाता है। गाइस ये नारियल वगैरह होता है क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो जाहिर बात है लोग फिर गरीबों वगैरह को ये दे देते होंगे, वो खा लेते होंगे। लाजमी बात कुछ हाँ, मतलब यही होता होगा या तो आप देखो, क्योंकि और कोई उसका राह नहीं है ना भाई। हाँ हाँ। तो इतने समेटे लाखों लोग आते हैं भाई, कहाँ समेटने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो और दूसरी बात, लोग अच्छा वेट करने दूर दूर से आते हैं, तो उधर वो बना हुआ है, पूरी दुनिया से आते हैं अभी तो इतना उधर भाई वो कैंप बना हुआ है जहाँ पर सो भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग आता है, इतने ज्यादा लोग आते हैं। और फिर उसके बाद दरबार लगता है, हर एक की मुश्किलें सुनी जाती हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये आपका मसला हल हो जाएगा, वो सारा कुछ बताते हैं उनको, नहीं भी वो नहीं भी बताते, ये पहले ही लिख कर दे देते हैं। काफी सारे मीडिया वालों के सामने उनको, अक्सर आप लोग हमने वो दो वीडियोस देखी है ना, मीडिया वाले इतनी जल्दी की थी, मीडिया वाले इतनी जल्दी मानते नहीं है, उनके सामने जब उनको बोला तो वो हैरान हो गए कि यार ये क्या हुआ, ये तो वाकई सच बोल रहे हैं। और भाई ये चीज जो है ना, ये फिर बताती है। और आज उनकी फैन फॉलोइंग देखो बागेश्वर धाम बाबा की, मतलब कहाँ कहाँ फैली। हालांकि कितनी यंग उम्र है उनकी, वाकई यंग, मतलब 27-28 साल के हैं मेरे ख्याल में, और वो इतने फेमस हुए हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ भाई, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में मशहूर है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना, कभी आप लोग गए हो मतलब इधर मंदिर में या दरबार में, एक तो खांसी भी बड़ी तेज आती है, तो लाजमी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।